गोरखपुर जिले में वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए इस बार सोशल डिस्टेंसिंग के बीच रिजर्व पुलिस लाइन में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस पर उत्कृष्ट काम के लिए चुने गए 49 पुलिसकर्मियों को SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने सम्मानित किया। आपको बता दें, पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर गार्ड के सामने सुबह 9 बजे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। इसी दौरान सम्मान समारोह भी हुआ। आपको बता दें कि ध्वजारोहण के बाद SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता द्वारा गोरखनाथ मंदिर सुरक्षा में लगे मुख्य आर्ची श्रीराम पांडे को गोल्ड मेडल और SSP के रीडर इंस्पेक्टर सुनील राय व विश्वविद्यालय चौकी प्रभारी विंध्याचल शुक्ल को सिल्वर मेडल पर से नवाजा गया। वहीं SSP कार्यालय में तैनात इंस्पेक्टर बसंत कुमार दुबे को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जनवरी माह में लगे कुंभ मेले में प्रयागराज में ड्यूटी करके आए 45 पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री की तरफ से मिले मेडल और प्रशस्ति पत्र को SSP द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान SPCT डॉक्टर कौस्तुभ, SP नर्स अरविंद पांडे, SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा, SP ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला, CO कैंट सुमित शुक्ला, CO गोरखनाथ परवीर सिंह, RI लाइन उमेश दुबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, राष्ट्र की स्वतंत्रता एवं अखंडता सुरक्षित रखने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा। मैं ये भी पुष्टि करता हूं कि कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लूंगा और वर्ग भाषा तथा क्षेत्र से संबंधित मतभेदों और विवादों का या अन्य राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं का समाधान शांति तथा संवैधानिक तरीके से करूंगा। जय हिंद। आपको पता है, आज हम 2020 का 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। कितनी मुश्किलों से, कितने बलिदानों के बाद, कितने लोगों की शहादत के बाद हमें प्राप्त हुई है। आज हमें उन सभी वीर और महापुरुषों का चिंतन और मनन करना चाहिए जिनके आचरण और जिनकी कर्तव्य निष्ठा से आज हम यहाँ इस भारतवर्ष में आजादी की सांस ले पा रहे हैं। पुलिस बल के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि हम तिरंगे को इतनी शान से लहराते हैं, इकट्ठा होकर के जश्न मनाते हैं। साथ ही साथ पूरे देश में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है
बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। बाह्य सुरक्षा सेना सशस्त्र पुलिस बल का काम है, जबकि आंतरिक सुरक्षा पूर्णता स्थानीय पुलिस का काम है। और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारी बॉर्डर्स की सुरक्षा करती हैं, हमारा काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम पूरे देश भर में फैल करके स्क्वायर किलोमीटर एरियाज में हम लोगों के जान माल की सुरक्षा करते हैं। आज मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि जब हम अपनी सेवा में भर्ती होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या शपथ दिलाई जाती है। वो शपथ यही है कि हमें अपने देशवासियों, आम नागरिकों, जन सामान्य, मानव मात्र सभी की जान और माल की सुरक्षा की हिफाजत पुलिस वाले के पास है। हम इन कर्तव्यों से ना भटके आज का दिन हमें ये याद करना चाहिए कि हमारी जो बेसिक ड्यूटीज हैं, आम आदमी से आचरण किस प्रकार करना है, हम अपने कार्यों से जनता में भरोसा जीते, हम अपने आचरण से जन सामान्य में एक विश्वास पैदा करें। हमें जनता की तरह कई बार बिहेव नहीं करना होता है, यदि उन्हें गुस्सा भी आ जाए, लेकिन एक पुलिसकर्मी को कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए। मैं आज इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जनपद गोरखपुर पुलिस को यही संदेश देना चाहूंगा कि आप सबको अपनी बेसिक ड्यूटियां एक बार फिर से याद करने की जरूरत है। हम सब आम आदमी की जान और माल की हिफाजत के लिए बने हैं, हमें उनसे अच्छा व्यवहार करना है। किसी भी सूरत में पुलिसकर्मी को क्रोध, जल्दीबाजी, इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। आज के दिन हमें जो वीर महापुरुष हमारे, चाहे वो महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे हमारे शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान साहब, चाहे आजादी के बाद वीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने एक छोटी सी तोप से पैटन टैंक पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए, हमें उन सब वीर शहीदों का नमन करना चाहिए। और अभी भी लगातार हमारी जो आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के लिए लगातार हमारे वीर जवान शहीद हो रहे हैं, उन सब का नमन करना चाहिए। और उस भावना के साथ हमें रोजमर्रा की अपनी कर्तव्य निष्पादन में लगातार ये प्रयास करना चाहिए कि हम जन सामान्य को अधिक से अधिक सुरक्षा और भय मुक्त वातावरण और एक विश्वास दे सके। जय हिंद, जय भारत। ये उधर देखिए, असल लगाने का है। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत देना मुश्किल है। सामने देखिए, थोड़ा ढीला करिए नहीं तो चुभ जाएगा। दूर होइए थोड़ा सा। और श्री
राजेश चौहान, सीसीटीएनएस जिनको प्रशस्त प्रमाण पत्र दिया जाना है, उप निरीक्षक छोटेलाल, उप निरीक्षक श्री प्रमोद गौतम, उप निरीक्षक श्री अमरीश ठाकुर, उप निरीक्षक श्री शंभु स्वामी, उप निरीक्षक श्री दानिश आदम, हेड पीसी श्री विजय शंकर ग्रेडे, प्रवीण कुमार द्विवेदी, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेडे सुशील कुमार गुप्ता, महिला आरक्षी शंभु चौहान, कंप्यूटर ऑपरेटर स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर मैं समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही लोगों से अपील करता हूं कि कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, बार बार हाथ धो करके जो हमारी गाइडलाइंस हैं उसके तहत ही सभी पर्व त्यौहार मनाएं। जिस प्रकार हम लोग पिछले कई महीनों से कोरोना के प्रकोप को देखते हुए, चाहे वो रक्षाबंधन है, चाहे ईद है, चाहे सावन का महीना है, सब जगह हमने अपनी एहतियात रखी है और कोरोना को बढ़ने नहीं दिया है। आने वाले पर्व भी हम इसी तरह से अपने घरों में रह करके ही मनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सर, इस दौरान कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जैसा कि परंपरा है बहुत सारे पुलिसकर्मी सम्मानित किए जाते हैं, तो आज हमारे आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा बहुत सारे लोगों को सराहनीय सेवा मेडल, बहुत सारे लोगों को स्वर्ण पदक और बहुत सारे लोगों को सिल्वर मेडल्स आवंटित हुए हैं, दिए गए हैं। उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनके कामकाज को देखते हुए, उनके रिकॉर्ड्स और चाल चलन को, और साथ ही साथ जो कुंभ में जिन्होंने स्पेशल ड्यूटी दी, कुंभ सेवा पदक भी उनको प्रदान किया गया है, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। साथ ही साथ सभी पुलिस फोर्स को मैं ये बहुत ही बधाई देता हूं कि वो कोरोना के साथ साथ आम जो पुलिस का काम है उसके साथ साथ कोरोना का भी काम कर रहे हैं और लगातार हमारे पुलिसकर्मी संक्रमित भी हो रहे हैं। इसमें कोई हौसला की बात, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है और मेरा मानना है पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य पर डटा हुआ है और भले ही कोरोना से कुछ भी हो जाए, पुलिस अपने कर्तव्य पर डटी रहेगी। मैं अपने गोरखपुर वासियों के लिए बहुत पहले तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो लगातार पुलिस और प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था की समस्या हो, चाहे वो कोरोना से लड़ना हो, इसी तरह से सहयोग करें। और जो भी आगे आने वाले त्यौहार हैं, चाहे वो मुहर्रम है, गणेश चतुर्थी और बहुत सारे त्यौहार हैं, जैसे हमने पहले त्यौहार मनाए बिना किसी भीड़ भाड़ के, अपने अपने घरों में ही सोशल डिस्टेंसिंग और शासन की नीतियों के तहत ही मनाया जाए।